सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइज ये वीडियो ओनली जावा स्पेसिफिक लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा था यार प्लीज़ बता दो, मेरे को ट्रेनिंग नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट टू डू यार, कुछ कर दो, ऐसा क्या करें जिससे मेरे को ट्रेनिंग समझ में। इवन बहुत सारे लोगों को तो कॉमन इशू होता है यार कि मैं मैकेनिकल से हूँ यार, मैं ITCS से नहीं हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, किस समझ में आए। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाला है, बिकॉज़ कि इस वीडियो में कंप्लीट मैं रोड मैप आपको देने वाला हूँ कि यार अगर आपको ट्रेडिंग नहीं समझ में आ रही है तो सेल्फ लर्निंग कहाँ से स्टार्ट करना है और स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड उससे पहले गाइज आई वुड लाइक टू से कि अगर चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके एंड वेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ये तो कॉमन ही है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। अगर कोई क्वेरी है, पर्सनल क्वेरी, तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले जो आपके आपको क्या करना है, आपको अगर मान के चलो डायरेक्ट आप स्प्रिंग बूट का ट्रेनिंग कर रहे हो या माइक्रो सर्विसेज का ट्रेनिंग कर रहे हो, तो बिलीव मी कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको जावा मिला है, जावा स्ट्रीम मिला है, इवन कि आपको जावा स्ट्रीम नहीं भी मिला है, एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ जावा डेवलपर, तो यही रोड मैप आपको काम देने वाला है, एंड यही रोड मैप के थ्रू आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हो। आई एम नॉट कंबाइनिंग मेंशनिंग ईच एंड एवरी थिंग, लाइक कि यार कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, टॉपिक आपको मिल जाएंगे, बहुत ही ईजी है, बट हाँ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पहले कौन सा स्टैक आपको सीखना है एंड देन मूव फॉरवर्ड। ओके तो सबसे पहले गाइज आपको कोर सीखना है, कोर जावा। तो कोर जावा में यू नो कि बेसिकली आपको आ जाता है नॉर्मल कोडिंग कैसे करते हैं, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, हाउ टू राइट लूप्स, यही सब आता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, J2EE सीखना है, जावा टू इंटरप्राइज। ओके तो गाइज जावा टू इंटरप्राइज एप्लीकेशन में आपको क्या होता है कि इसमें आपको JDBC वगैरह सिखाया जाता है, डेटाबेस कनेक्शन सिखाया जाता है, एंड थोड़ा सा आप एडवांस लेवल की चीज़ें इस पर करते हो, ओके डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें करते हो, एंड ये बहुत ही ज़्यादा फिलहाल के लिए, अगर इसको अभी जितने सारे फ्रेमवर्क आ चुकी है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक होता है, बट वो सारी चीज़ों को सीखने से पहले इसको अगर आप सीखेंगे तभी आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे थिंग्स आर वर्किंग। ओके तो उसके बाद क्या करना है, आपको J2EE सीखना है, एंड ऐसा नहीं है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यार बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो वीडियोस को तो देख लेते हैं, ठीक है, बट हैंड्स ऑन खुद से नहीं करते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि उनको समझ में नहीं आती चीज़ें, बिकॉज कि आप एक वीडियो देखो, दो वीडियो देखो, बट खुद से हैंड्स ऑन करो जरूरी है, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके J2EE के बाद आपको स्प्रिंग सीखना है। स्प्रिंग, व्हाट इज़ अ स्प्रिंग? तो स्प्रिंग इज़ अ जावा बेस्ड फ्रेमवर्क, जावा फ्रेमवर्क है जिसपे कि J2EE से थोड़ा सा चीज़ों आसान कर देती है, ठीक है, एंड उसके बाद इसको आप सीखोगे तो आपको आइडिया पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं, नहीं है, डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, वेब बेस्ड फ्रेमवर्क है, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। ओके एंड थोड़ा बहुत तो ट्रेनिंग में ओवरव्यू आपको मिल ही गया होगा कि स्प्रिंग होता क्या है। ओके तो इसको इन डेप्थ सीखना है एंड हैंड्स ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके क्योंकि स्प्रिंग जब तक नहीं सीखोगे तब तक स्प्रिंग बूट आप माइक्रो सर्विसेज वगैरह नहीं सीख सकते, इवन कि जब वहाँ पे आपको एनोटेशंस वगैरह यूज़ किया जाएगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत बार ट्रेनर यूज़ करेंगे तो यार वहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आया कि व्हाट इज़ द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और तो स्प्रिंग सीखने के बाद क्या करना है, स्प्रिंग के साथ साथ ही ये चीज़ें आप सीख सकते हो, तो सर्वलेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अब इस चीज़ को रिड्यूस करके आप स्प्रिंग बूट में कुछ और चीज़ें सीखोगे, बट दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट पहले आपको सर्वलेट भी आना चाहिए। ओके सर्वलेट आएगा तब आप बेसिक से समझ पाओगे, ये आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके ओके तो गाइज नेक्स्ट XML सीखना है सर्वलेट के साथ साथ, XML तो XML ज़्यादा अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप मैक्सिमम 5 to 6 days देंगे तो आपको बेसिक्स आइडिया लग जाएगा, पता चल जाएगा, नेम स्पेस वगैरह थोड़ा सा इसमें ज़रूरत होता है, DTD वगैरह, तो इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, XML आप बहुत कम समय में इसको कवर कर सकते हैं, इवन कि साथ साथ सर्वलेट के साथ साथ सीखते सीखते ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, स्प्रिंग MVC मॉडल व्यू एंड कंट्रोल। तो स्प्रिंग मॉडल व्यू एंड कंट्रोल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके ये सीखो, उसके बाद नेक्स्ट आपका स्प्रिंग बूट आता है। तो गाइज स्प्रिंग बूट इज़ अ ऑसम एंड ग्रेट, नाउ इट इज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस पर चल रही है, इवन कि हर कंपनी, ओके हर जितने भी सर्विस बेस्ड कंपनी है सबके अंदर जो प्रोजेक्ट होते हैं 60% प्रोजेक्ट इसी पे स्प्रिंग बूट पे ही चल रहे हैं,
हायरिंग का तो पूछो ही मत यार, बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास स्प्रिंग बूट का 3+ ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इजली 10 LPA, 20 LPA, 15 LPA आप गेट कर सकते हो। ओके, तो स्प्रिंग बूट सीखो। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप स्प्रिंग बूट सीखोगे तो आपको बिलीव में कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ओके, उसके बाद आपको माइक्रो सर्विसेज सीखना है। स्प्रिंग बूट सीखने के बाद आपको माइक्रो सर्विसेज जब सीखेंगे तो आपको रियली मैं क्योंकि माइक्रो सर्विसेज इज नथिंग, इट इज जस्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट ही होता है, बट वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ माइक्रो सर्विसेज का। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे मोनोलिथिक एप्लीकेशन हम लोग डेवलप कर रहे थे, मान के चलो कि एक ही ऐप के अंदर में, एक ही वेब एप्लीकेशन के अंदर में सारे फंक्शनैलिटी दे रहे थे। ओके, बट माइक्रो सर्विसेज में हम लोग हर एक फंक्शनैलिटी के लिए एक अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक अलग एप्लीकेशंस बनाते हैं। दैट इज़ द माइक्रो सर्विसेज। ओके, इसके बारे में इन डेप्थ आप सीखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपाची काफका वगैरह सीख सकते हो, एंड अपाची काफका के बाद सीखने के बाद आप क्लाउड वगैरह सीख सकते हो, जिसमें क्लाउड में आपका AWS क्लाउड, एज्योर या गूगल क्लाउड में से कोई भी सीख सकते हो। इन सारे चीज़ों को आप कंबाइन करोगे तो बिलीव मी गाइज, यू आर लाइक बूम। ओके, आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, आप कोई भी जॉब को इजिली क्रैक कर सकते हो विद द एक्सपीरियंस। ओके, एंड आपको इवन कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा खासा CDC भी मिल जाता है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती है। तो ओके गाइज, तो होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। क्योंकि देखो यार, ये वीडियो मैं इसलिए बनाया कि बिकॉज कि जब बंदा ज्वाइन करता है तो यार उसको डायरेक्ट स्प्रिंग बूट ट्रेनिंग में नॉमिनेट कर देता है, एंड दे आर नॉट एबल टू गेट। तो दैट इज़ द रीज़न मैं ये वीडियो बनाया। तो होप्स हो गाइज ये वीडियो हेल्पफुल रहा, एंड हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना, एंड चैनल पे नए आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।